अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि हमने मेरा थंबनेल देख लिया कि इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 5 मिनट में अपनी वेबसाइट बगैर किसी पैसे लगे मोबाइल पर किस तरह बनाएं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कोई एक आम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं ये मेरी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो ये आप ये नीचे से सर्च कर सकती है ign.knowledge.blogspot.com। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, तो मैं इसको देखता हूँ ये कैसी। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह की है। ये मेरा चैनल का, ये मेरी वेबसाइट का नाम है IGNS नॉलेज, और ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये आप सब कैसे करते हैं ये भी मैं आपको मुकम्मल इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखने मैंने नीचे पोस्ट की गई है, अगर आपको इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बनाने का तरीका सिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, सर्च करना है और यहाँ पर लिख देना है ब्लॉगर। तो आपने यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप ब्लॉगर का लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी ये बना चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कुछ न्यू ब्लॉग क्रिएट एंड न्यू ब्लॉग का ऑप्शन होगा। तो मैं यहाँ से एक न्यू ब्लॉग, मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग है, तो मैं नीचे से न्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। मैं नीचे न्यू क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने कोई भी टाइटल देना होगा। यहाँ पर कोई भी टाइटल 100 वर्ड्स का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी टाइटल दे देता हूँ, AR इस तरह का कोई भी। तो ये मैंने टाइप दे दिया अपना टाइटल, लेकिन वो यहाँ पर देख ले कह रही है 5 वर्ड का। तो जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से अपना कोई भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो है ये वाली ब्लॉगर www.ignsknowledge.blogspot.com, इस तरह के जो डॉट ब्लॉग स्पॉट जो ब्लॉगर होता है ना, वहाँ से किस तरह वहाँ से जो एक 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 वेबसाइट बनती है वर्डप्रेस से, जिसके जिसके में और इसमें और ब्लॉगर वाली वेबसाइट में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये ब्लॉग स्पॉट का वर्ड फ़र्क है। आपने देखा होगा wikipedia.com, और ये एक होती है .com जो डोमेन खरीद कर ले बनानी पड़ती है और उस पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये विदाउट पैसे लगा कर बनती है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम देता देता हूँ, जिस तरह के मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ अब्दुल रहमान। तो ये देखिए, ये सॉरी दिस ब्लॉग इज़ इनवैलिड। तो मैं यहाँ पर कोई भी इस तरह कर देता हूँ। ये देखिए, अभी तक भी ये दिस ब्लॉग इज़ ये चेकिंग होती है, एड्रेस इज़ इनवैलिड और नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पर कोई भी आपने इस तरह लिख लेना। तो मैं जब कोशिश करता हूँ लिखने की, तो मैं यहाँ सर पर कोई कुछ भी लिखता रहता हूँ। तो ये देख ले, अभी भी इस तरह ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर अभी दिखा, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये लिख चुका हूँ ये नीचे, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो मैं यहाँ पर नीचे सेव कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेसिंग में कुछ वक्त लेगा, और उसके साथ ही आप देखते हैं कि ये मेरी जो न्यू है वेबसाइट ये क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, देख सकते हैं आपने यहाँ पर किस तरह पोस्ट ऐड करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करें और ये देख ले AR 377, ये आपकी आईडी का, ये आपकी ब्लॉग का नाम है। तो नीचे आप जब नीचे लिखा होगा व्यू ब्लॉग, तो आपने जब व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ऊपर ईमेल भी आ चुका है, ये देख ले आप, ईमेल देख सकते हैं कि मुझे ईमेल आया है, कमेंट सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू हैव बीन इनवाइटेड टू रिसीव ईमेल। तो क्योंकि मेरी ये मेरी वेबसाइट पर क्रिएट हो चुकी है, तो ये आपके सामने देख सकते हैं आप इसे। तो ये देख ले मेरे AR 377, दे आर नथिंग हेयर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और ये मेरी विजिट प्रोफाइल, तो ये मेरी ऑलरेडी, तो मैं बैक आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से किसी भी यहाँ से अगर कोई मैंने न्यू पोस्ट करनी हो तो यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने क्रिएटिंग अ पोस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टाइटल देना होगा और यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा ऑप्शन है। तो आप इधर इधर कर जाए, तो ये देख ले आप, यहाँ से कोई लिंक भी अटैच कर सकते हैं, वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, और कोई स्टिकर भी और कोई तस्वीर भी। तो उसके बाद आप यहाँ से इसको बोल्ड हाईलाइट जिस तरह आपका दिल चाहे तो कर सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह कोई एक नई ये नीचे देख ले सकते हैं कि ये इस तरह ये क्रिएट हो जाएगी। तो आप आज की वीडियो बस इतनी। अल्लाह हाफिज़।